एंड एवरी एटम, ओ हिडन लाइट शाइनिंग इन एवरी क्रिएचर, ओ हिडन लव एम्ब्रेसिंग ऑल इन वननेस, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee, no, he is also one with every other. Brothers and sisters, we heartily welcome you all to Shankar Lodge Delhi meeting today. This Saturday, 16th October 2021, we are privileged today that Brother U.S. Pandey is with us and he will share his thoughts today on the topic Om and its practical significance. Brother U.S. Pandey needs no introduction. He is an ardent international and national lecturer. He is a life member of Theosophical Society and is retired Additional Director General, Ministry of Railways. At present, he is President of Uttar Pradesh and Uttarakhand Theosophical Federation. He is actively associated in lecturing and has delivered talks in India and also in foreign countries and has conducted many study camps. He has addressed different and teachers in different educational institutions. He writes articles on theosophical themes in English and Hindi. Now, without taking any more time, I now request Brother Pandeyji to please share his thoughts on the August topic, Om and its practical significance. Okay, thank you, Brother Rajiv Mathurji. Meri awaaz aa rahi hai? Hello. Thank you. आ रही है भैया, ऑडिबल है? आ रही है। ओके ओके, थैंक ब्रदर माथुर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे ये दिया, अवसर दिया कि आपके साथ मैं शेयर करूं, आप ग्रुप के साथ इस विषय पर, और सभी जितने भाई बहन इसमें हैं, इसमें भागीदारी हैं, उन सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ। तो ये जो शब्द है वो और इसका व्यवहारिक महत्व, ये जो मैं आपके सामने आज विचार रखूंगा वो मुख्यतः ब्लॉवस्की के एक लेखन के बेसिस पर है। आप जानते हैं कि ब्लॉवस्की का जो लेखन का क्षेत्र था बहुत ही विस्तृत है, उसमें शायद ही कोई चीज़ जो ह्यूमन इंटरेस्ट की छोड़ी गई है, क्योंकि ओम और सभी, क्योंकि रिलीजियंस का स्टडी है उसमें, सभी का जो अर्थ वो लाया गया है। इससे जब हिंदू धर्म का बात होती तो स्वभावतः ओम के ऊपर भी उन्होंने काफ़ी समझ लिया और उसके बारे में बताया। उन्होंने इसमें कई पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो शोध किए गए इस शब्द के बारे में, संस्कृत साहित्य से, वाङ्मय से, उसका भी जिक्र किया, तो उसको हम लोग कुछ शेयर करेंगे आपसे इस समय। वो कहती है कि एक प्रोफेसर थियोडोर गोल्ड स्टकर हैं, ऐसा जर्मन प्रोफेसर थे, उन्होंने ओम की परिभाषा दी है इस प्रकार। उन्होंने परिभाषित नहीं किया है, जो भी उन्होंने अध्ययन किया संस्कृत साहित्य का, उससे उन्होंने अपना विचार दिया है कि ओम एक संस्कृत शब्द है जिसने हिंदू धर्म के विकास में रहस्यमय धारणाओं की, यह हिंदू सभ्यता के पूर्व काल से भी संबंधित है के कारण अधिक महत्व प्राप्त किया। ये कह रहे हैं कि उनका जो रिसर्च बताता है कि ओम शब्द जो है, जो हिंदू सभ्यता है, उसके पहले से ही भारत में थी और इस कारण इसका अधिक महत्व हुआ। आप जानते हैं कि जो आर्यों के आने के पहले भी भारत में एक उच्च सभ्यता थी और स्पिरिचुअलिटी थी, जिसको ब्लॉवस्की कहते हैं, तो प्योर धर्म था। अब इसका मूल भाव है, कहते हैं ओम का जो मूल भाव है, बेसिक जो सेंस है, वो है दृढ़ या गंभीर पुष्टिकरण या स्वीकृति, किसी चीज को स्वीकार करना। इसके ओरिजिनल हिस्ट्री में थोड़ा जा रहे हैं कि ओम शब्द का मेन प्रिंसिपल एसेंस है टू एक्सेप्ट, स्वीकृत। इस प्रकार जब श्वेत यजुर्वेद में यज्ञ करता देवताओं का आवाहन यज्ञ में भाग लेने के लिए करता है, तब सावित्री देवी उसके आवाहन को स्वीकार करने के लिए कहती है ओम, अर्थात ऐसा हो। उदाहरण दे रहे हैं कि यजुर्वेद में
जब देवताओं का आह्वान किया जाता है तो जो सावित्री देवी है वो उसको स्वीकार करने करते हैं ओम कहती है। दैट मीन्स ओम जो है स्वीकार करने का एक चिन्ह हो गया, एक प्रतीक हो गया शुरू शुरू में। इसी तरह जब बृहदारण्यक उपनिषद में देवताओं मनुष्यों और दानवों के पिता प्रजापति उनसे पूछते हैं कि उन लोगों ने उनके उपदेश को समझ लिया तो उनके उत्तर से संतुष्ट इन शब्दों में व्यक्त करते हैं ओम। ये भी कहानी बृहदारण्यक को उपनिषद भी है कि जब ब्रह्मा पूछते हैं कि आपने क्या मेरे टीचिंग को समझ लिया तो वो हाँ की जगह ओम कहते हैं। तुम लोगों ने पूर्ण ध्यान स्पष्ट किया। और उसी उपनिषद में प्रवाहन सेतु के प्रश्न कि क्या उनके पिता ने उनको उपदेश दिया है का उत्तर ओम शब्द से आता है। सत्य मैं हूं बोलते हैं कहते हैं। ऋग्वेद के भाग को ऐत्रेय ब्राह्मण कहा जाता है जहां एक धार्मिक अनुष्ठान का वर्णन करते हुए ऋग्वेद के मंत्र तथा गाथा कहे जाने वाले गीत होत्री पुजारी द्वारा सुनाए जाते हैं और उसका प्रत्युत्तर अर्धद्व्य पुजारी द्वारा कहते हुए दिया जाता है। होत्री द्वारा सुनाए हुए ऋग्वेद के मंत्रों का अधर्व द्वारा प्रत्युत्तर ओम दिया जाता है। और उसी तरह गाथा जो कथा होती है उसका प्रत्युत्तर कथा दिया जाता है अर्थात इस प्रकार। तो दो शब्द आए स्वीकृत के लिए ओम और कथा। अब दोनों भेद क्या है? ओम जो है स्वीकृत का शब्द देवताओं द्वारा प्रयुक्त होता है या दैवी साहित्य के लिए जैसे ऋग्वेद और मंत्रों के लिए प्रयुक्त होता है, जबकि कथा जो स्वीकृत शब्द के रूप में मनुष्य द्वारा प्रयुक्त होता है। इसलिए कहानी में जो मानव निर्मित कहानियां होंगी उसमें कथा और जो श्लोक वगैरह हैं वेदों के जिसको देव निर्मित या देव दृश्य से ऋषियों को मिला माना जाता है उसमें ओम शब्द आएगा। स्वीकृत के लिए जो परंपरावादी हैं जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू हैं उनके लिए ऋग्वेद के मंत्र डिवाइन माने गए हैं दैवी माने गए हैं और जो गाथा है वो मानवीय मानी गई। गाथा मैंने जो रामायण हुआ महाभारत हुआ और जिसको हम इतिहास और पुराण कहते हैं वो सब मनुष्यकृत माने गए। इसमें शब्द का मूल भाव जो बेसिक एसेंस है उसमें कोई संदेह नहीं है कि ओम एक सामान्य संस्कृत शब्द एवं का एक पुराना और संक्षिप्त रूप है। एवं एवं एक संस्कृत शब्द है उसका भी मतलब होता है स्वीकृत या ऐसा ही या जो तथा का मतलब वही है उसका एक सामान्य रूप ओम है। जो आ के उच्चारण में कुछ डेरिवेशन से ए में परिवर्तित हुआ एक समय अवम के रूप में रहा होगा। अभी थोड़ी हिस्ट्री में जा रहे हैं ओम कैसे बना होगा। अवम के रूप में रहा होगा जब अ के बाद वाले स्वर के उच्चारण को छोड़ देने से उम अवम बन गया। मैंने एवं से अवम एवं से फिर उम उम से अवम बन गया। जैसे हम लोग हुम बोलते हैं हुम बोल देते हैं बिल्कुल एस करने के लिए उस तरह की शब्द से बना। और इसलिए भाषा के साधारण जो फोनेटिक नियम है ध्वन्यात्मक नियम है उनके अनुसार ओम हो गया। एवं से फाइनली ओम हुआ दो तीन रूपांतरण होते हैं। संस्कृत में इस तरह के कई उपमान हैं उदाहरण हैं मगर एक शब्द की जो एंटोमोलॉजी होती है संस्कृत साहित्य के प्रारंभिक अवधि में ही हो गई होती होती है क्योंकि प्राचीन व्याकरण में एक दूसरा मिलता है एक दूसरा तरीका मिलता है जिसके द्वारा हम प्राचीन और मध्यकालीन भारत के कई धार्मिक तथा धर्मशास्त्रीय रचनाओं में रहस्यवाद का कारण मालूम होता है ये शब्द ओम। इस जो बाद वाला जो डेरिवेशन हुआ व्युत्पत्ति के अनुसार ओम मौलिक अव से बना है एक प्रत्यय माँ द्वारा एक प्रत्यय जोड़ा गया और जब ओम अवम ए ओमन का एक संक्षिप्त रूप होगा मैंने दूसरा जो मेथड उसके अनुसार भी एक 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 कंडेंस्ड वर्ड है पूरे वर्ड अवम या ओमन का। और जैसे और इसमें अव में भाव होता है रक्षा करना बचाना सुरक्षित करना का अर्थ निकलता है।
इसलिए ओम एक ऐसा शब्द होगा जिसका अर्थ है रक्षा करना या मोक्ष। यज्ञ कार्य से संबंधित वैदिक लेखन में इसके होने के से इसके रहस्यमय गुण और पवित्रता का अनुमान होता है। इसलिए ओम शुद्ध शुभ शब्द बन गया। कोई भी मंत्र के पहले ओम जोड़ दिया जाए, क्योंकि ओम का अक्षर फैल लिया है कि ये रक्षा करने वाला है, मोक्ष देने वाला है। ये विकास बता रहे हैं कि ओम शब्द कैसे बना और उसका मतलब कैसे कैसे लोग समझने लगे। तो चूंकि ये शुभ शब्द बन गया है और इसके साथ आध्यात्मिक गुरु को वेद के प्रत्येक पाठ का पाठन प्रारंभ करना था और अंत करना था, तो बाद में ये प्रथा बनी कि वेद का जो भी पाठ होगा पढ़ा जाएगा, जो भी मंत्र पढ़ा जाएगा उसके पहले भी ओम लगाया जाए और बाद में भी ओम लगाया जाए। वर्तमान प्रतिसाख्य या ऋग्वेद का व्याकरण कहता है कि यह जो सिलेबल ओम है वेद पाठ के शीर्ष पर हो, क्योंकि तो गुरु और शिष्य के लिए समान रूप से ब्रह्म स्वर का द्वार है और मनु अपनी पुस्तक में आदेश देते हैं एक ब्राह्मण को वेद के एक वेद के पाठ के आरंभ और अंत में ओम शब्दांश का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। ये मानव धर्म शास्त्र है, क्योंकि यदि ओम के ओम आरंभ में नहीं आता उसकी सीख चली जाएगी और यदि वह अंत में नहीं आता कुछ नहीं बचेगा। मनु ये सब सांकेतिक भाषा में लिखा गया कि जो भी चीजें पढ़ी जाती हैं धार्मिक शास्त्रों में अगर उसके पहले ओम नहीं गाया गया तो हम उसका जो भाव नहीं समझ पाएंगे और अंत में नहीं लगाया तो जल्दी हमारी ईश्वर से समाप्त हो जाएगी। इस सब से लाया गया कि इसको हम महत्व दें, धार्मिक शास्त्रों ने लिखा है उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें। उस समय जब एक दूसरी श्रेणी के लेखन पुराण जब हिंदू प्रथा के प्रेत संहिता से जोड़े गए, उसी समान कारण से ओम इनका आरंभिक शब्द बना। अब इससे यह स्पष्ट है कि यह रहस्यमय शक्ति जो जैसा ऊपर मनु के नियम पुस्तक से उदाहरण दिखाता है, इस शब्द का गुण बताया गया था, मैंने शब्द में एक रहस्यमय गुण है ये बताया गया, वह पूर्व चिंतन का विषय रहा होगा। इसका एक कारण मनु द्वारा स्वयं दिया गया है। वह कहते हैं ब्रह्म तीन वेदों से निकाले हुए अक्षर आ उ म से जुड़कर बने। अब यहाँ मनु कहते हैं कि ब्रह्म जो है वो तीन वेदों का सारांश क्या है और तीन जो वेदों के सारांश है उसमें तीन वेद थे, चौथा वेद बाद में आया ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, अथर्व वेद बाद में आया। तो तीन जो पहले वाले वेद हैं ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद, वो हर एक वेद इन तीनों में से एक एक अक्षर का रिप्रेजेंट करते हैं आ उ म से, और इसके जो ओम शब्द है तीनों को मिलकर बनता है वो तीनों वेदों का प्रतिनिधित्व करता है, तीनों वेदों के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। इसका मतलब है कि तीनों वेदों में के मंत्रों को इसमें जोड़ा जाएगा और कहा जाएगा। दूसरी ओर मनु ये भी कहते हैं ये भू भुआ और स्वर्ग को भी रिप्रेजेंट करता है, जो तीन लोक हैं जिसमें मनुष्य की जीवात्मा विकास के क्रम में रहती है पृथ्वी पर जीवन में और मृत्यु के बाद जीवन में। तथा दूसरे मंत्र में कहा गया है ये तीन महान अधिक शब्द जिसके पहले ओम और ऋग्वेद का पवित्र मंत्र गायत्री जिसमें तीन लाइनें हैं वो ब्रह्म वेद का मुख प्रवेश कहा गया है, वेद का मुख प्रवेश कहा गया, यानी वेद के मंत्र को पढ़ने के पहले इसका उच्चारण होता है, इसलिए इसको वेद का मुख प्रवेश द्वार कहा गया। ये तीन महान जो अधिक शब्द है जिसके पहले ओम है और इस ऋग्वेद का जो पवित्र मंत्र गायत्री जिसमें तीन लाइनें को ब्रह्म का मुख कहा गया, या जैसा टीकाकार कहते हैं कि अंतिम मुक्ति प्राप्त करने का साधन और शब्दांश वो परम ब्रह्म है। ये धीरे धीरे विकास हुआ है उसके मतलब का, उसके गुण रहस्य का। ओम के मानसिक पाठ के साथ तीन विनियमित श्वास तीन रहस्यमय शब्द भू वह स्व और गायत्री उच्च भक्ति हैं। वेद में बने सभी अनुष्ठान जैसे होम यज्ञ समाप्त हो जाते हैं, किंतु शब्दांश ओम को अविनाशी मानना चाहिए। इसमें भाव ला गया है कि वेद में जितने भी यज्ञ हैं होम हैं और भी जितने राइट्स हैं उस सब का फल समाप्त हो जाएगा, लेकिन ओम अगर शब्द उसमें बोला गया है तो उसका जो ज्ञान होगा उसका जो भाव होगा
उसका जो प्रभाव होगा मनुष्यों पर वो अस्थायी रहेगा, क्योंकि यह ब्रह्म स्वयं परमात्मा स्वयं का एक प्रतीक है, श्रेष्ठ रचना का स्वामी ये प्रतीक है, ऐसा विचार मनु और उपनिषदों का। उदाहरण के लिए कठोपनिषद में मृत्यु के देवता यमराज नचिकेता के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, शब्द जो सभी वेदों में उल्लिखित है, इसको सभी तपस्याओं के साधन घोषित करते हैं, जिसकी इच्छा करते हुए धार्मिक साधक अपना धर्म पालन करते हैं, इस शब्द को मैं तुम्हें संक्षेप में बताऊंगा। और कहानी आप मोस्टली आप लोग मालूम होगी, जब नचिकेता को तीन वरदान दिए गए और अंतिम वरदान में जो वाक्य विद्या की बात करते हैं और यमराज को देते हैं, तो उसमें ये भी व्याख्यान आता है। उन्होंने कहा है यह ओम है, शब्द को संक्षेप में। इस शब्दांश का अर्थ है उस उपनिषद कठोपनिषद के अनुसार अवर ब्रह्म और परम ब्रह्म। अवर ब्रह्म, अवर ब्रह्म दिस मैनिफेस्टेड ब्रह्म, और पर ब्रह्म ने अनमैनिफेस्टेड ब्रह्म, दोनों का अर्थ आता है। जो कोई शब्दांश को जानता है वह जो भी इच्छा करता है प्राप्त करता है, जो उसका गुण अर्थ समझता है, जो उसकी साधना करता है। अब यहाँ जो इच्छा आएगी, इच्छा का मतलब इस सांसारिक इच्छाओं से नहीं जोड़ना, आध्यात्मिक जो प्रगति की इच्छा है उससे जोड़ना। और प्रसन्ना उपनिषद में संत प्रहलाद सत्यकाम को कहते हैं, परम अवर 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 ब्रह्म दोनों ओम शब्द हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इसके आधार से इन दोनों में से एक दूसरे को समझता है। यदि वह इसके अक्षर आ पर ध्यान करता है तो शीघ्र पृथ्वी पर जन्म लेता है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल में बताया जा रहा है कि अगर वो मैं तीन जो लेटर है इनमें अगर आ पर ध्यान करता है तो वो शीघ्र पृथ्वी पर जन्म लेता है। ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा मनुष्य के संसार में ले जाया जाता है, और यदि वह आत्मसंयम धर्म पालन और श्रद्धा पर निष्ठावान है तो महान होता है। किंतु यदि वह अपने मन में इसके दो अक्षरों आ और ऊ पर ध्यान करता है, वह ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा बीच के क्षेत्र में उठाया जाता है, चंद्रमा के संसार में आता है, यानी मनस प्रेम पर, और जहां वो शक्ति के भोग कर फिर मनुष्यों के संसार में वापस आता है। मैंने आउ कहने से वो स्वर्ग का संसार आएगा, वहां भोग करेगा, फिर संसार में आएगा। मगर यदि वह इसके तीनों अक्षरों अउ मां द्वारा परमात्मा का ध्यान करता है तो सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न होता है, जैसे सांप अपने केजुल से मुक्त होता है, उसी प्रकार वह पाप से मुक्त होता है। अब ये सब जो वर्णन है ये एलिगोरिकल है, और इसका मतलब डीपर मतलब है सभी का। जैसे अउम कहा गया कि तीनों पर ध्यान करते हैं तो मोक्ष की ओर बढ़ाता है। तीनों का ध्यान करने से ही केवल शाब्दिक ध्यान करने से ही मोक्ष नहीं हुआ, ये हमारा अल्लाह जी बताएगा, क्योंकि तीनों जो है संपूर्ण सृष्टि को बता रहे हैं, संपूर्ण शक्ति को बताते हैं। तो सबको समझने और सबको उस तरह से विचार करने से, सबके साथ एक हो जाने से मोक्ष होगा, इसका मतलब होगा टीचिंग के प्रकाश में। मांडव्य उपनिषद के अनुसार जीवात्मा की प्रकृति का सारांश सॉरी एक पॉइंट मांडुक उपनिषद के अनुसार जीवात्मा की प्रकृति का सारांश तीन अक्षरों तथा मां में उनके पृथक भी और संयुक्त रूप में दिया गया है। अब यहाँ कहा गया वैष्णवनारा है, मैंने वैष्णवनारा जो मैनिफेस्टेड संसार है, यह ब्रह्म का वह रूप जो जीवात्मा को जागृत अवस्था में दर्शाता है। ऊ जो है तेजस, या ब्रह्म का वह रूप है जो इसको स्वप्न अवस्था में दर्शाता है। और मां प्रज्ञा या ब्रह्म का वह रूप है जो जीवात्मा को सुषुप्त अवस्था या वह अवस्था जिसमें वह अस्थायी रूप से परमात्मा से जुड़ता को दर्शाता है। इसलिए मां संयुक्त रूप से या हूं ब्रह्म का चौथा उच्चतम अवस्था है, तुरिया अवस्था को दर्शाता है, जो अकथनीय है, जिसमें सभी व्यक्त समाप्त हो जाते हैं और वो परम आनंद और अद्वैत की अवस्था होती है।
इसलिए ओम जीवात्मा है और वो जो जानता है इस जीवात्मा के द्वारा परमात्मा में प्रवेश करता है। इस प्रकार के जो पैराज हैं, पैराग्राफ हैं, इनके अधिक गूढ़ प्रयुक्त वर्णों की कुंजिका की तरह विचारा जा सकता है। अब यहाँ बरौसी कथि के जो विचार लाए गए हैं इसको अगेन हम लोग अक्षर से न माने और ये जो डीपर जो थॉट है हमारे वैदिक साहित्य में उपनिषदों में उसको समझने का एक की के रूप में इसको इस्तेमाल करें समझने। उदाहरण के लिए योग दर्शन के लेखक द्वारा मैंने पतंजलि द्वारा जहाँ तीन छोटे वाक्यों में कहा जाता है कि उनका यानी परमात्मा का नाम प्रणव अर्थात ओम है, इसका जप या गुनगुनाना और इसके अर्थ पर मनन उससे परमात्मा का ज्ञान आता है और अवरोधों जैसे व्याधि बीमारी स्थिरता या थकान संशय प्रमाद आलस्य आदि जो योगी के मन को अवरुद्ध करते हैं उनका अभाव हो जाता है, वो समाप्त हो जाता है। पतंजलि के योग योग सूत्र खंड एक में और सूत्र 27 से 30। किंतु साथ ही वे आगे के कार्य को इंगित करते हैं जिसको उपनिषदों से सिद्धांत के रहस्यवाद को बढ़ाने में अंधविश्वास भी ले लिया। अब यहाँ कहा कि धीरे धीरे ओम शब्द के बारे में तमाम ये सब गूढ़ ज्ञान के जो एलिगोरिकल वर्णन किए गए उससे कई अंधविश्वास भी जुड़ गए क्योंकि जैसे ही ओम शब्द के प्रत्येक अक्षर को पृथक करने की कल्पना की गई उसमें लोग उसका अर्थ अपने अपने तरीके से निकालने लगे, अपने अपने तरीके से व्याख्या करने लगे और इसको सांसारिक उपलब्धि के भी एक माध्यम के रूप में सोचा जाने लगा कि ओम शब्द करने हमारी कोई मनोकामना पूरी हो जाए, हमें धन मिल जाए, हमें पुत्र हो जाए, ये सब भी कामना के लिए इसकी एक विचार आने लगा, ये सब उसका एक अवमूल्यन होने लगती। अब जो है इस प्रकार महान धर्मशास्त्री उपनिषदों के टीकाकार कहते हैं इवन शंकराचार्य भी एक शब्द विपत्ति से छोटा करके जिसके द्वारा हो आ को आपति के संक्षिप्त को में परिवर्तित करते हैं से संतुष्ट करते हैं। इस लेख में ब्रॉडसी कहते हैं इवन शंकराचार्य ने भी ओम की व्याख्या की है, वो भी एक तरह से थोड़ी सी इनकम्प्लीट है और चूंकि वाणी विश्वनारा द्वारा व्याप्त है जो श्रेष्ठता के संक्षिप्तीकरण में क्योंकि तेजस विश्वनारा में श्रेष्ठ है और माँ की मिति विनाश के संक्षिप्तीकरण में विश्वनारा और तेजस जगत के विनाश और पुनरुत्थान पर प्रज्ञा में शोषित हो जाते हैं। पुराण आ से विष्णु का एक नाम बनाते हैं, ऊ से उनकी पत्नी श्री का नाम आता है और म से उनके संयुक्त पुजारी का नाम, इसलिए आउ म ब्रह्मा विष्णु और सौ शिव उस तरह का भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक तरफ कहा गया जो आउम है वो तीन लेटर है, एक विष्णु जो लाइफ एनर्जी है जो संसार को चला रही है उसको रिप्रेजेंट करते हैं जो कॉज है, और श्री मैंने लक्ष्मी जो उनकी एनर्जी से जो काम कर रहे हैं और संयुक्त जो है जो इसको समझते हैं उसके लिए। और फिर कहा गया है कि तीनों अक्षर जो हैं जो ईश्वर के तीन आयाम हैं ब्रह्मा विष्णु शिव उसको रिप्रेजेंट करते हैं। प्रथम आ द्वारा दर्शाते हुए द्वितीय ऊ द्वारा और तृतीय म द्वारा निसंदेह प्रत्येक अवस्था में ये भाव लाया गया है। यद्यप ओम इसके मूल भाव में एक गंभीर या प्रभावी सूक्ष्म शब्द है। अब यहाँ वो पुराना जो पहला जहां शुरू किया था उसको एम्फसाइज किया गया है कि बेसिक रूप से ओम जो शुरू हुआ वो एक स्वीकृत के रूप में हुआ, किसी चीज को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, किसी स्टेटमेंट को, किसी कथन को। वास्तव में कहा जाए तो वैदिक साहित्य तब प्रतिबद्ध है या ध्यान देने योग्य है कि आजकल भारतवासियों द्वारा भी प्रायः हूं के अभिप्राय से प्रयोग हो जाता है। जैसे हम लोग अक्सर हूं बोल देते हैं तो हूं में ऊं जो है उसमें निहित है, जब हूं को हूं हूं कोई बोलते हैं कोई चीज को हम उसका एक समर्थन करने के लिए, तो हूं शब्द में हमारे हूं शब्द में ऊं निहित होता है। तो बिना किसी गूढ़ गुणों के संकेत से जैसा कि धार्मिक कृति में बताया गया है, अब दूसरे विद्वान को कोट कर रही हूं मोनियर विलियम्स गूढ़ शब्दांश ऊं का वर्णन इस प्रकार करते हैं,
शब्दांश ऊपरी दोहराए जाने से जो आरंभ में वह या हां का भाव था वे लोग कुछ हद तक मानसिक शांति प्राप्त कर लिए। प्रश्न था कि ओम का क्या अर्थ है और इसके कई उत्तर दिए गए, जैसे जैसे मन को उच्चतर 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 से उच्चतर विषय की ओर अग्रसित हुआ। इस तरह एक अनुच्छेद में हमें पहले बताया गया कि ओम वेदों का प्रारंभ है, या जैसे हम सामवेद के उपनिषद में पाते हैं सामवेद का प्रारंभ है, इसलिए जब ओम पर ध्यान करते हैं तो उससे पूरे सामवेद का ध्यान करा हुआ मान लिया जाएगा। अब ये सब जो है ये अब इसका ये रूपक दे रहे हैं कि इस तरह से अंधविश्वास आ गया था कि ओम शब्द ही पवित्र है, बट ओम शब्द के ध्यान खाली ओम शब्द उच्चारण से मान लिया गया हमें पूरे सामवेद का ज्ञान या सारांश का ज्ञान हो गया। ओम सामवेद का सार है जो लगभग पूर्व से ऋग्वेद से लिया गया, इसलिए ये भी कहा गया कि ओम शब्द जो ओम शब्द का ध्यान करने से हम सामवेद और ऋग्वेद दोनों का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। ऋग्वेद सभी वाणी को दर्शाता है, सामवेद सभी श्वास या जीवन, ताकि ओम सभी बड़े और सभी जीवन के प्रतीक रूप में सोचा जा सकता है। अब यहाँ कहा जा रहा है इसको एक प्रतीक रूप में समझें। इस प्रकार ओम केवल हमारे मानसिक और भौतिक शक्तियों का ही सार नहीं होता, किंतु विशेष रूप से प्राण या आत्मा के या जीवन का भी सार होता है, तत्व तो बनता है। वह दूसरे अध्याय में एक नीति कथा द्वारा समझाया गया है, जबकि तृतीय अध्याय में हमारे अंदर की आत्मा को सूर्य में आत्मा के समान कहा गया है। इसलिए वह जो ओम पर ध्यान करता है मनुष्य में आत्मा जो प्रकृति या सूर्य की आत्मा के समान है उस पर ध्यान कर, ओम पर ध्यान जो करता है वह मनुष्य में जो आत्मा है जो हमारे हाईएस्ट प्रिंसिपल है जो सेवन डिवीजन में आत्मा बुद्धि मनस उस पर ध्यान करता हुआ माना जाएगा, और चूंकि आत्मा ही परमात्मा है इसलिए वो परमात्मा पर ध्यान करता हुआ माना जाएगा। और इस प्रकार छांदोग्य उपनिषद में प्राण में कई शिक्षा बताई गई है। जितने छांदोग्य उपनिषद में भी इसका जिक्र आया है और उसमें भी ओम का बहुत महत्वपूर्ण महत्व बताया गया है, उसमें ओम पर ध्यान देने का भी महत्व बताया गया है। जितने भी संस्कार हैं वेद में जो यज्ञ होते हैं वो सभी समाप्त हो जाते हैं, उनका फल समाप्त हो जाता है, लेकिन जो शब्दांश ओम है उसको इम्परिसिबल माना चाहिए क्योंकि वो ब्रह्म का ही प्रतीक है। कृष्ण जो है अपने गीता में एक श्लोक में कहते हैं कि वह ओम है, पर दूसरे पैसे में वो उसको क्वालिफाई करते हैं कि सुप्रीम स्पिरिट है। तो जो सुप्रीम स्पिरिट है जो सब जगह है वो भी ओम है, और कृष्ण जो हमारे स्वयं की अंतर चेतना है वो भी ओम है। ये इस गीता में जो कृष्ण बता रहे हैं उसका भाव है। उदाहरण के लिए जो भगवद्गीता में जो शब्द प्रणव भी लाया गया है, और प्रणव का मतलब है विशिष्ट रूप से प्रभावी श्रेष्ठ। जो ये प्रणव शब्द आता है प्रशंसा से आता है, और उसके पहले जो प्र जोड़ा गया विशिष्ट प्रशंसा, माने हम अपने जो आत्मशक्ति है उसके बारे में हम उसकी शक्ति को पहचाने तब वो माना जाएगा कि उसकी विशिष्ट प्रशंसा कर रहे हैं आत्मशक्ति को। इसका अर्थ हुआ कि वो विल पावर को हम डेवलप करते हैं जो आत्मशक्ति है, तब हम प्रणव शब्द का रियली उच्चारण का जो लाभ है जो प्रभाव है वो हम देखते हैं। तो
इसका लिटरली मतलब होता था इम्फेटिक प्रेज, प्रभावी प्रशंसा, प्रणव का मतलब यह है। यदि ओम जो है इसके मूल सेंस में एक स्वीकृत का शब्द माना गया था, एम्फेटिक स्वीकृत का शब्द माना गया था एसेंट का, लेकिन अगर ठीक से इसको समझा जाए तो वैदिक लिटरेचर में इसके अलग अलग मतलब आते हैं। और जैसा पहले बताया गया कि ये खून जैसे जो शब्द हम लोग निकालते हैं उसमें भी आ जाता है। इस तरह जो शिष्य है वो पग से पग द्वारा इसके अर्थों को समझाते हुए गुरु द्वारा उठाया जाता है उसकी चेतना, और फाइनली जिससे वो उच्चतम अवस्था की ओर जाए जब उसकी अपनी आत्मा की परमात्मा के साथ एकत्व का महसूस हो, जिसको योग कहा गया। तो ये जो अर्थ इसलिए बताया गया उसका पर्पज लॉर्ड से कह रहे हैं, इसलिए बताया गया कि इसके माध्यम से मनुष्य जो लक्ष्य है सेल्फ रियलाइजेशन का, आत्मबोध का, परमात्मा से एकत्व का, वो अवस्था आए। जो पाठ हैं ये यूनिवर्स के हाईएस्ट कंसेप्शन तक ले जाते हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ दोनों में, और फिर भी उसमें कभी कभी अवसर चीजें भी आ गई हैं साहित्यों में इसके बारे में, उसमें हमें ध्यान रखना है। अब इन्होंने कोट किया विद्वानों को, और एक एक डॉक्टर लेक को कोट करती हैं। डॉक्टर लेक ये शायद फ्रेंच विद्वान थे। कंसिडर्स एलेक्सी आदि आकाश एज दी फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द हिंदू, आकाश और विद्युत को पांचवा एलिमेंट मानते थे, महाभूत मानते थे, और क्योंकि ओम जो है पूरे आकाश में इसकी जो वाइब्रेशंस हैं, इसलिए ओम एक तरह से पांचवें महाभूत का भी प्रतीक है, माने ईथर और आकाश का भी प्रतीक है। अब ब्लॉटसी कुछ अपने ओपिनियन देती हैं कि जो सांस है मनुष्य की सांस, उसमें जो इंस्पिरेशन माने सांस अंदर की जाती है उसको पूरक कहा गया है, और जो जो इंटरवल होता है अंतर होता है उसको कुंभक कहा गया है, और जो एक्सपायरेशन सांस बाहर निकलती है वो रेचक कहा गया है। जब वह सांस दाहिने नाक से ली जाती है तो उसको पिंगला कहते हैं, जब दोनों नाक से ले जाती है तो सुषुम्ना कहते हैं, और जब बाएं हाथ से ली जाती है तो इडा कहा गया। ये मोस्टली सभी लोग जानते हैं। आप लोग जो राइट रेस्पिरेशन जो दाहिनी नाक से सांस है उसको शौर्य सांस कहते हैं, क्योंकि उसमें गर्म की प्रकृति है, और दाहिने और बाएं नाक से सांस लेने में ठंडे होने की प्रकृति को उसको चंद्रमा की सांस कहा जाता है। सुषुम्ना जो रेस्पिरेशन है सांस है उसको शंभु नाड़ी कहा जाता है। जो बीच की होता है जिसमें सांस थोड़ी के लिए निलंब सस्पेंड हो जाती है, उसमें ह्यूमन माइंड को ओम शब्द पर ध्यान देना चाहिए। इंस्पिरेशन और रेस्पिरेशन के बीच छोटा सा अंतराल होता है जिसमें सांस रुकी हुई मालूम होती है, उस अवस्था में हमें ध्यान करके ओम पर ध्यान देना चाहिए। जो ब्रेथ होता है सांस जो होती है उसका जो फॉर्म जो इनडिस्क्रीट है, अंडरस्टैंडिंग फॉर्म है, और मन जो है जो मन भी सांस से कनेक्टेड है, इसलिए जैसी सांस की अवस्था होगी वैसा हमारे मन की अवस्था होगी। जो इंद्रियों के जो सेंस के ऑर्गन्स हैं, इंद्रियों के अंग हैं, और जो कार्य होते हैं ये मन के कंट्रोल में होते हैं। योगी जो होते हैं अपने मन को सांस रोकने से कंट्रोल करते हैं रोकने के द्वारा, और जो सांस है वही सभी वाणी का स्रोत है। जो शब्द सोहम है वो एक गहरी सांस अंदर लेकर के उच्चारण किया जाता है, उसके बाद सांस निकाल करके दोनों नाक से निकाला जाता है। इस सोहम का शब्द का अर्थ है कि गॉड इज इन अस, ईश्वर हमारे अंदर है। ओम मणि पद्मे हूं जो अर्थ है उसी का सोहम का अर्थ होता है। दूसरा शब्द है हंसा,
दिस इज फ्रॉम, इसको हम डीप एक्सपायरेशन सांस बाहर निकाल के प्रोनाउंस करते हैं, और इसमें इसका मतलब है मैं ईश्वर में हूँ। तोहों का मतलब है ईश्वर मेरे में है, और हंस का मतलब है मैं ईश्वर में हूँ। द इंस्पिरेशन जो है, कहा जाए तो अंदर खींचने वाली सांस जो शक्ति है या बल है, जो बाहर वाली सांस जो है वो शिव है या मृत्यु है। जो इंटरवल है दोनों के बीच में या कुंभक है, वो हमारी दीर्घायु को बढ़ाता है, और इसलिए हठ योग में ये रिकमेंड है कि उसको इंटरवल को बढ़ाया जाए। जो राजयोग तो मना करता नहीं, हठ योग में है। जब एक्सपायरेशन बाहर निकालने की सांस के बाद सांस नहीं ली जाती है, रोक दी जाती है, तो मृत्यु निश्चित होती है। ये जो दोनों शब्द हैं सोहम और हंसा, इससे जो एनिमल इकोनॉमी में जो वेस्ट है, जो हमारे शरीर से जो प्रक्रिया चल रही है, एलोलॉजिकल प्रक्रिया, मेटाबॉलिकल प्रक्रिया, उसमें जो वेस्ट है वो निकलता है। क्योंकि जो इससे ये होता है कि जो ऑक्सीजन निकालेंगे, जो ऑक्सीजन जो हवा में होती है वो लंग्स में एंटर करती है, और उसमें चेंजेस ब्लड में चेंज होते हैं, जिसको पल्मोनिक चेंजेस कहा जाता है, ब्लड में होते हैं, रक्त में होते हैं। फिर एक लोजियर विद्वान को, फ्रेंच विद्वान को कोट करनी है, उसके अनुसार एक एडल्ट व्यक्ति जो है, वयस्क व्यक्ति जो है, एक मिनट, 15 मैं कुछ कनेक्ट कर रहा हूँ, चलो इन्होंने क्वांटिटी दिया है, तो आई हैव जस्ट कन्वर्टेड इट टू ग्राम वगैरह। ओके, एक जो एडल्ट व्यक्ति है वो करीब दिन भर में 1114.8 ग्राम ऑक्सीजन सांस के द्वारा खींचता है, ऑलमोस्ट 1 किलो सांस खींचता है एटमॉस्फेयर और से, और उसका रेट होता है 0.7 ग्राम प्रति मिनट की दर से खींचता है, एक एवरेज वयस्क मनुष्य। जो शब्द ओम है वो अंदर की सांस खींचते हुए प्रोनाउंस किया जाता है, मुंह द्वारा अंदर की सांस खींचते हुए, और एक्सपायरेशन जो है जो बाहर की सांस नाक द्वारा निकाली जाती है। इसमें जब एक मनुष्य सांस अंदर खींचता है मुंह से और नाक से बाहर निकालता है, तो ऑक्सीजन जो है जो हवा में के द्वारा अंदर आती है वो लंग्स में नहीं जाती है, फेफड़े में नहीं जाती है, जहाँ पर रक्त में पल्मोनरी चेंजेस होते हैं। और जो ओम जो शब्दांश है, इस तरह से सस्पेंशन ऑफ ब्रेथ का सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे पहले कहे योगी लोग जो हैं सांस को रोकते हैं, तो यहाँ कहा जा रहा है जब हम मुंह से सांस लेते हैं और नाक से निकालते हैं और ओम शब्द का उच्चारण करते हैं, तो जो रक्त जो है उस पीरियड के लिए, छोटे पीरियड के लिए लंग्स में नहीं जाता, उसमें ब्लड में चेंजेस होंगे, इसमें पल्मोनरी चेंज होंगे, और इसलिए ये जो है सांस रोकने के समान है। जो बॉडी का वेस्ट है, जो बॉडी से मल निकलता है, हमारे यूरिन और एक्सक्रीटा और पसीनों से, ये सब मिला करके जो वेस्ट ऑफ बॉडी है, इज प्रोपोर्शनेट टू द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन टेकन इनटू द सिस्टम बाय द रेस्पिरेशन। जितनी क्वांटिटी में हम ऑक्सीजन खींचते हैं बॉडी में, उसकी मात्रा में हमारी बॉडी का जो वेस्ट होता है। मनुष्य का जो मल है, मल में तीनों चीजें जाएंगी, जो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं उनका जो मल पदार्थ ज्यादा होता है उनके कंपैरिजन में जो धीरे धीरे सांस लेते हैं। मन की शांति से सांस धीमी पड़ती है, और इससे हमारे जो शरीर का मल है वो भी धीमा पड़ता है, उसकी मात्रा कम होती है। शांत मन से शांत सांस लेना, मैंने बहुत धीरे धीरे सांस लेना, उससे मनुष्य का मन शांत होता है, और योगी निर्वाण को प्राप्त करते हैं
सांस को सस्पेंड करके। जो वेदांती हैं वो मोक्ष प्राप्त करते हैं, क्लेम करते हैं मोक्ष प्राप्त होता है इसके द्वारा मन को होल्ड करके, मन को स्थिर करके मेडिटेशन में ओम पर। इसलिए ओम जो है एक तरह से प्रक्रिया है सोल को बॉडी से अलग करने की। ओम का उच्चारण एक प्रक्रिया है सोल को बॉडी से अलग करने के लिए, मैंने सांसारिक जो हमारा एंगेजमेंट है उससे हमारे सोल को, जीवात्मा को अलग करने की प्रक्रिया। ये जो है हाँफते हुए सांस का प्रोडक्ट है जो मनुष्य के शरीर के क्षण के पहले होता है। जब मनुष्य मरने लगता है उसकी सांस थोड़ी थोड़ी जल्दी जल्दी आती है, हाँफने हाँफने जैसे आती है नेचुरल डेथ में। और कहते हैं उससे देखा गया है कि ओम जो है, ओम का प्रभाव भी कभी कभी ऐसा होता है, उल्टा प्रभाव हो जाता है। जो सिल्वर ओम है वो मनुष्य को परमानेंट डिके और डेथ से बचाता है। अगर ठीक से उच्चारण किया जाए, धीमी श्वास से उच्चारण किया जाए, तो वो हमें बॉडी के सही कक्ष है और मृत्यु से बचाता है। और हमारे सांसारिक जो हमारे सामने आकर्षण होते हैं, टेम्पटेशन होते हैं, उससे बचाता है। और फिर वो पुनर्जन्म से हमें बचाता है। मैंने कर्म, जब हम सांसारिक टेम्पटेशन में नहीं होंगे तो नेचुरली हमारे कर्म जो कम बनेंगे, कर्म बंधन कम बनेंगे, इसलिए हमें पुनर्जन्म से भी बचाता है। ये जो है ह्यूमन सोल को सुप्रीम सोल से जोड़ता है। और ओम में सांस को की लंबाई कम करने का गुण होता है। जब ओम हम शब्द ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी सांस की लंबाई जो है कम होती है। सांस की लंबाई जितनी कम होगी उतनी हमारी जो प्राणिक एनर्जी है उसका कंजर्वेशन होता है, उसका संरक्षण होता है, और उतना हमारा स्वास्थ्य और दीर्घायु की अवस्था अच्छी होगी। शिव को कहा, शिव से ये बताया गया कि शिव जी ने कहा है कि सर्वोदय कोई है साहित्य, उसमें जिसको इन्होंने कहा है, वो बहुत ही एक्सलेंट स्ट्रेटेजी है रेस्पिरेशन पर। उसमें कहा गया कि जो नॉर्मल लेंथ है मनुष्य के सांस की वो करीब 9 इंच है। इंच आप सभी लोग समझते हैं, अभी 9 इंच है सामान्य मनुष्य की सांस। जब हम भोजन करते हैं या बोलते हैं तो ये लंबाई 13.5 इंच हो जाती है। जब हम सामान्य रूप से टहलते हैं तो ये लंबाई 18 इंच हो जाती है। जब दौड़ते हैं तो ये लंबाई 25.5 इंच हो जाती है। सेक्सुअल इंटरकोर्स में इसकी लंबाई 48.75 इंच हो जाती है। गहरी सांस लेने में सांस की लंबाई 75 इंच हो जाती है। जैसे जो सांस जो 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 सोना है, स्लीप जो है, वो हमारी बॉडी के वेस्ट को बढ़ाता है और बीमारियों को इन्वाइट करता है, वो प्री मैच्योर डेथ और डिके में ले जाता है। इसलिए योगी लोग अपने नींद को कम करते हैं, और नींद को कम करने के लिए और अपनी सांस की लंबाई को कम करने के लिए वो कुछ पथ्य बनाते हैं, अपने डाइट्री बनाते हैं। उसके बारे में कुछ एग्जाम्पल दिया ब्लॉक्स ने, वो राइस चावल जो है, इसमें उन्होंने पुराने ब्रिटिश दिनों में दिया है आउंस शो में, उसका 6 आउंस उसका मात्र होता है 186.6 ग्राम लेंगे, और जो दूध है 12 आउंस यानी 373 ग्राम लेंगे, मैंने लेस देन हाफ किलो। वो रोज जो है इस भोजन के द्वारा रोज जो है उनमें जो कार्बन आएगा, अब फाइनली जो हमारे भोजन होते हैं उसके फिर एलिमेंट कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ये सब कितना है उसका भी इसमें जिक्र किया गया है साइंटिफिक रूप से। तो जो भोजन लेगा योगी कि 6 आउंस जो है चावल और 12 आउंस जो मिल्क लेगा, दूध लेगा, उसमें कार्बन जो है 156.2 ग्राम्स कहा इन्होंने, और इसका होगा करीब 10 ग्राम करीब होगा, और फिर उसका आधा हो जाएगा नाइट्रोजन। उस पथ से वो हमेशा वॉचफुल रहता है, वो नींद में भी रहता है लेकिन फिर वॉचफुल रहता है, मैंने एकदम उस नींद में नहीं आता जिसमें उसके श्वास की लंबाई बढ़े। वो ओम पर ध्यान करता रहता है यूं नींद में भी,
जब बॉडी रेस्ट कर रही है, और जो नाइट्रोजन की छोटी मात्रा उसके डाइट में है उससे उसका क्रोध भी कम होता है। तो ऐसा फूड जो जिसमें नाइट्रोजन कम हो वो लेने से क्रोध भी कम होता है। योगी उसके बाद अपने कार्नल डिजायर मैंने काम वासना और सेक्सुअल एपेटाइट को कम करता है, वो दिन प्रतिदिन अपने भोजन में को कम करता है जब तक कि वो मिनिमम लेवल पर पहुंच जाए, जो वो केवल वो सस्टेन मतलब जीवन रह सकता है, जीवन को कम करता है धीरे धीरे। फिर वो ही सीज रिटायरमेंट, सांसारिक कामों से रिटायरमेंट वो खोजता है, एक छोटे से सेल में रहता है, और उसका ये पुरानी प्रथा से उन्होंने लिया है, उसका आसन जो है चीते या हिरण का चर्म होता है, और उसके लिए फिर सोना चांदी और सभी मूल्यवान वस्तुएं कूड़े करकट के इस्तेमाल होती हैं। मन भाव वो जो है मांस मदिरा और मछली से अपने को अलग रखता है, वो कभी भी नमक को टच नहीं करता, और एंटायरली फल मूल कंद पर रहता है। ये कहती हैं ब्लॉट्स्की, मैंने एक फीमेल मेडिकेंट एक सन्यासिनी को देखा था, भारत में कभी भ्रमण की थी उसको देखा था, जो केवल एक शेर आलू और कुछ थोड़े से इमली के गुदे पर रहती थी। एक शेर आलू, हम में से बहुत लोग शेर का देखोगे, एक शेर करीब 0.9 किलो के बराबर होता है। तो ये कह रही कि वो जो सन्यासिनी थी रोज केवल 0.9 किलो आलू और थोड़ा सा इमली के गुदे पर रहती थी। ये स्त्री जो है इसने अपने को एक कंकाल के रूप में बदल दिया था, उसका शरीर जो है बहुत दुबला हो गया था, हड्डियाँ दिखाई पड़ती थी, और वो बड़ी शुद्ध और चेष्ट जीवन जीती थी और पूरा टाइम ओम पर ध्यान में बिताती थी। अब कहते हैं कि एक से जो आलू है उसमें 3600 ग्रेन यानी 7.5 आउंस या 233.27 ग्राम रेजिड्यू होता है, जो मल निकलता है, जो एग्जैक्टली है जो सॉलिड रेजिड्यू है एक शेर पोटैटो का, एक शेर आलू का, उसमें वो कह रही हैं जो कार्बन है वो करीब 102-103 ग्राम है, हाइड्रोजन जो है 13 ग्राम है, नाइट्रोजन जो है 2.8 ग्राम है, और ऑक्सीजन है 102 ग्राम है, और इस तरह से कुल मिला करके 233 ग्राम होता है जो वेस्ट होता है। 233 ग्राम का ब्रेकअप किया उन्होंने नाइट्रोजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और कार्बन में और सॉल्ट्स। फिर कहते हैं मैंने एक ब्रह्मचारी को देखा था जो डेली केवल एक शेर मिल्क लेता था और कुछ नहीं लेता था, एक शेर मिल्क काफ़ी होता है दिन में। कहते हैं एक शेर मिल्क और गाय के मिल्क को एनालिसिस किया जाए तो उसमें जो पानी है वो करीब 812 ग्राम होगा, जो कार्बन है वो करीब 65 ग्राम होगा, जो नाइट्रोजन है वो 10 ग्राम होगा, और हाइड्रोजन जो है वो करीब 15 ग्राम होगा, ऑक्सीजन जो है वो 34 ग्राम होगा, और जो नमक है वो 5.8 ग्राम होगा। इस तरह से कुल जो है 933 ग्राम होता है। तो एक शेर दूध में उन्होंने ये ब्रेकअप किया कि उस पर रहा जा सकता है। अब एक से जो गाय का दूध है उसके कंबस्शन के लिए मतलब उसको पचाने के लिए हमें करीब ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, वह है 3 to 7 8 ग्रेन्स कहा गया है, दैट मीन्स करीब 200 ग्राम। तो इस तरह से जो वर्ण है वो कहते हैं जो ब्रह्मचारी था जिसका वर्ण किया है वो 0.14 ग्राम ऑक्सीजन पर मिनट लेता था, दैट मीन्स बहुत ही सांस की धीमी थी और बहुत कम ऑक्सीजन लेता था। जो बेस्ट था जो फ्रेंच एडल्ट पहले बात की गई है, जो फेयर स्पेसिमेन है एक वर्ल्ड डेवलप्ड सेंसिबिलिटी का मैं युवा था, वो प्रति मिनट 10.87 ग्रेन उतना लेता था। दैट मीन्स इस ब्रह्मचारी के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं तो एक 2.7 है
और एक 10.5 टाइम्स ज्यादा वैक्सीन की था। तो इस तरह से जो एक रिटायर्ड या व्यस्त कार्यक्रमों से अपने को मुक्त करके जो संयमी जीवन है, जो जो तपस्वी जीवन है, सादा जीवन है, वो नेसेसरी है ओम के प्रोनाउंसिएशन के लिए। ये कंक्लूड कर रहे हैं कि इस तरह का जीवन एक रिटायर्ड संयमी और तप वाला जीवन अपने बहुत सादगी का जीवन जरूरी है ओम के उच्चारण के लिए। तो इसमें जो पहले आया था कि ओम का उच्चारण करके हम मोक्ष प्राप्त करेंगे, तो किसी अवस्था में अगर ओम का उच्चारण करते हैं, हम खुद खाओ पियो मौज कर रहेंगे, खूब भोजन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं ओम का उच्चारण कर, तो उससे कुछ नहीं होगा, उसके लिए जीवन जीना पड़ेगा, तब उसका प्रभाव आएगा, इसका भाव ही आएगा, जो बेसिक कंडीशन है। और इस तरह से अगर जीवन जीते हैं, ओम का प्रोनाउंस करते हैं, तो हमारे चरित्र में जो रिजिड वर्च्यू है उसके लिए प्रेम उत्पन्न होता है, और जो सेंसुअलिटी है, जो इंद्रिय जनिक जो हमें आनंद है इंद्रिय जन, उससे हम विमुख होते हैं। शिव कहते हैं, शिव को फिर कोट किया जा रहा उसी साहित्य से, कि वो जो व्यक्ति काम वासना क्रोध दूसरों की चीज लेने की कॉटियसनेस से और अज्ञानता से मुक्त है, वही मुक्ति का अधिकारी होता है, वही ओम का उच्चारण का अधिकारी होता है। इसमें कंडीशन डाली जा रही है, मैंने ओम के सही उच्चारण का उसका जो सही प्रभाव है तब उसका अधिकारी होगा, जिससे हम जो लगे कि लिखा गया है ओम के उच्चारण से निर्वाण होगा, मोक्ष होगा, कहते वही ऐसा व्यक्ति ही उस तरह का ओम का उच्चारण कर पाएगा जो निर्वाण की ओर ले जाएगा। क्योंकि आपका टाइम हो रहा है, तो आई शॉर्ट कट इट। इस तरह कई कंपेयर किए कि एक बच्चे का कितना ऑक्सीजन होता है, एक जो एडल्ट हो गया जिसमें सेक्सुअल डिजायर उत्पन्न हो गया उसका कितना होता है, एक सन्यासी के कितना होता है। तो ये इसका सारांश ये दिखाया गया है कि जैसे जैसे हम अपने जीवन को सादर करते हैं, अपने को सांसारिक चीजों से हटाते हैं, एक संजीवी जीवन जीते हैं, तो हमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है रिक्वायरमेंट इनहेल करने की, और सांस की लंबाई कम होती है, जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाती है, बीमारी से मुक्त करती है, और हमारी दीर्घायु भी वो प्रोत्साहित करती है, दीर्घायु प्रोत्साहित करती है। इसमें काफी वर्णन दिया गया है। फिर उनका कि एक फ्रेंच के जेंटलमैन थे कॉर्नो, उन्होंने सारी उम्मीदें छोड़ दिया था, डॉक्टरों से कोई बीमारी हुई थी, और फिर उन्होंने केवल एक 12 औंस ब्रेड और 15 औंस पानी लेकर के ही सारी उनकी बीमारियां खत्म हो गई। हमें जो है जो जो फ्रेश फार्मिंग फूड है जिसे मांसपेशियां बनती हैं, वो कम क्वांटिटी में लाना, ये भी लाया गया, इसलिए नाइट्रोजन ऐसा फूड हो जिसमें नाइट्रोजन कम हो। जो इस तरह से एक जीवन जीना चाहता है, ईमानदारी का, विनम्रता का, करुणामय का, उसको रोज जो है केवल जो फ्लैश फार्मिंग है, नाइट्रोजन वाला जो फूड है, वो केवल 31 ग्राम होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए इस रिसर्च के अनुसार। और जो 90 ग्राम ये 31 ग्राम जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन सब्सटेंस है, नाइट्रोजन है, वो ऐसे 70 ग्राम फूड में आएगा जिसमें जिसको नाइट्रोजनस फूड कहा जाता है, नाइट्रोजन की प्रधानता होती है, और भी कई चीजें होती है, कोई भी फूड में शुद्ध प्योर नाइट्रोजन नहीं रहेगा, लेकिन एक 70 ग्राम को जो है उसमें फूड लेने से इतना नाइट्रोजन से पैदा हुआ। तो उसको ऐसा फूड लेना है जिसमें 70 ग्राम, 70 ग्रेन यानी अबाउट 5 ग्राम नाइट्रोजन ही हो। उसके लिए उन्हें कुछ बहुत क्वांटिटी दिया है, जैसे कुछ एग्जाम्पल दिया है, वो मैं भी थोड़ा सा कुछ आपको बताऊंगा। जैसे उन्होंने कहा कि जो सूखा हुआ गेहूं है, वैक्यूम में सूखा हुआ, वो 206 ग्राम,
जो 206 ग्राम में उतना नाइट्रोजन मिलेगा जिसमें इस रिसर्च के अनुसार जरूरत है हमें उस अवस्था में रहने की। इसी तरह जो ओट है, जई है, उसका भी 206 ग्राम, जो जौ है उसका 224 ग्राम, जो भात का भात की मक्का है उसमें 226 ग्राम, जो सूखी राई होती है वो 266 ग्राम, जो सूखा चावल है वो करीब 326 ग्राम, सूखा दूध जो है उसका दिया 113 ग्राम, सूखा मटर जो है इसका दिया उन्होंने 107 ग्राम, और सूखी फली, सफ़ेद जो फली होती है सब्जियों में, उसका दिया है उन्होंने 122-123 ग्राम। तो कुछ फूड की क्वांटिटी दी है, कितना फूड लें तो हम वो जो मात्रा है रिसर्च सुझाई है उतना नाइट्रोजन हमारी बॉडी से में रहेगा जो हमारे लिए सफिशेंट होगा, और उससे ज़्यादा लेने से फिर हमें व्याधियाँ होती हैं। इसमें अंजीर, दूध, तमाम चीज़ें लाई गई हैं, रोटी, शलजम, ये तमाम लगे हैं। जो गाय का मिल्क है उसको उन्होंने कहा कि हमें 87 ग्राम, मैंने उससे ज़्यादा दूध नहीं देना। अगर इस तरह से जो मित आहार है, अल्पाहार है, हमें कम करना है, और वो जो अल्पाहार है वो सांस के रोकने का सस्पेंशन काम करता है, जिसको पहले कहा योगी लोग अपनी सांस को रोकते हैं, तो ये कहा जाए कि हम अगर इस तरह का अल्पाहार लेते हैं जीवन में, उसकी अपनी जीवन शैली बनाते हैं, तो सांस के रोकने का ही काम करता है, मैंने उसके द्वारा हमारी जो जो पुलमोनिक चेंजेस होंगे ब्लड में वो होते हैं, और हमें वो एनर्जी रहती है, हमारी व्याधियाँ कम होती हैं, और हमारा माइंड शांत होता है, और हमें फिर यतीन्द्रिय ज्ञान का माध्यम खुलता है हमारे माइंड में, जिसको सुपर सेंसुअल नॉलेज कहते हैं, और फिर हमें परमानंद या निर्वाण या समाज की अवस्था का अनुभव होता है। तो इस लेख में यह लाया गया कि परमानंद समाज की अवस्था ओम की जाप द्वारा के लिए सब चीज़ें हैं, हमें अपने भोजन को इस तरह से नियमित करना है, अपनी सांस को नियमित करना है, फिर पोषक पे भी आएगा। फिर कहा गया कि जो टहलते या दौड़ते हैं वो हमारी सांस को लंबा करती है, इसलिए टहलना और दौड़ना साधना में इन्होंने रेकमेंड नहीं किया है इस ओम के साधक को। इसलिए ओम के साधक को केवल यही करना है कि केवल वो दो आसनों का उपयोग करें, पद्मासन और सिद्धासन। तेज टहलना या उसको दौड़ना एक्सरसाइज के लिए ठीक नहीं है, और करें योग की फिलॉसफी में ये है, ये दर्शन में भी है। तो जब आदमी अपनी सांस की लंबाई को 6 इंच कम कर देता है इन पद्धतियों से, तो उसके लिए कह रहे हैं उसको भविष्यवाणी की शक्ति आ जाती है। जब वो सांस की लंबाई को 5.25 इंच कम कर देता है तो उसकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है, डिवाइन आई खुल जाती है, उसको दिखाई पड़ता है जो दूर में है, क्लैरवाइंट विजन, क्लैरवाइंट ऑडियंस आ जाता है उसको। जो इनऑडिबल साउंड है ओम का, वो बिना जाप के ही उसके मन में सुनाई पड़ने लगता है, उसको वाइब्रेशन होने लगते हैं जब उसकी सांस 4.5-4.75 इंच हो जाती है। अब देखिए, पहले बताया कि सामान्य मनुष्य की सांस 9 इंच है, फिर बताया गया खाने में इतने, सोने में इतने, ऑल दिस थिंग। जब इस साधना से 4.5 इंच सांस हो जाती है एक्सपायरेशन की, तब जो है मनुष्य जो है एस्ट्रल रीजन में ट्रेवल करता है, मैंने इसकी एस्ट्रल जो कॉन्शियसनेस अवेकेंड हो जाती है, और वो जो देखता है वो उसके फिजिकल ब्रेन में अंकित हो जाती है, ही कैन रिमेम्बर। इसलिए जो ओम का ओटरी है, जो ओम का साधक है, वो फिर क्षण मात्र में पूरे संसार में ट्रेवल कर देता है। अगर इस तरह से ओम का उच्चारण किया जाए, अपने डाइट को कंट्रोल किया जाए और प्रैक्टिस किया जाए, तो ये सब शक्तियाँ उसमें आएंगी। इस तरह से जो जब इनऑडिबल और कहें जो इनऑडिबल मटरिंग ओम होना चाहिए, ओम का ऑडिबल मटरिंग नहीं है, इनऑडिबल मटरिंग ऑफ ओम, केवल मन में ही ओम का जाप हो, इवन ओठ में नहीं हिलना है, तो उससे सबसे ज़्यादा सांस की लंबाई कम होगी, ऑक्सीजन की मात्रा की इनटेक कम होगी, क्योंकि अगर मुंह खोलते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा खींची जाएगी। इस तरह से अगर हम मेंटली मटर करते हैं, मेंटली उसको गुनगुनाते हैं ओम को, तो हमारी एक्सपायरेशन जो सांस की लंबाई 3 इंच कम हो जाती है, कारण ये सब रिसर्च किए गए, फाइंडिंग कर रही हैं, और तब मनुष्य को अष्ट सिद्धि की शक्तियाँ आ सकती हैं या सुपर ह्यूमन पावर आ सकती है।
और जब सांस की लंबाई 2 इंच तक घटा दी जाती है तो जो ओम का साधक है उसको 9 प्रेसिडियल्स को 9 सिद्धि कहते हैं, 8 से 9 सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। और ऐसा मनुष्य जो है, ऐसा मनुष्य जो है उसको उसके प्रति संसार के सारी धन संपत्तियां आकर्षित होती हैं, उसको बिना मांगे और मैंने इच्छा सारा समाप्त हो जाती तो सारे धन वो जितना है संतुष्ट जाता है, सारे धन के अपने मालूम होते। और उसमें फिर उसमें सारे धन उसके ओर आकर्षित होंगे, लेकिन उस समय उसके मन में संसार के धन के प्रति कोई इच्छा समाप्त हो जाएगी। जब उसकी सांस की लंबाई 1.5 इंच हो जाती है उस इस अभ्यास से, अभी करें इस अभ्यास से सांस की लंबाई लगातार कम होती जाएगी, टॉम स्टेज दी जा रही है, उसके प्रभाव दिए जा रहे हैं, जब 1.5 इंच कम हो जाती है तो वो सेलेस्टियल जो देवा जिसको देवाचन कहते हैं उस प्लेन का उसको ज्ञान होने लगता है, वो स्वयं जागृत अवस्था में उसका अनुभव होता है देवाचन के प्लेन का, वो स्वर्ग के देवताओं के साथ उसका इंटरकोर्स शुरू हो जाता है, बात कर सकता है। और जब इनऑडिबल ओम का प्रोनाउंस होता है और सांस की लंबाई और घटाई जाती है 0.75 इंच, तो जो साधक है वो उस अवस्था में पहुंच जाता है जो केवल उसका शैडो होता है, मैंने देवता बन जाता है। तो ओम अमित्या मीन मेजर नॉट विद वर्ड्स, इसी को कहते हैं बुद्ध ने कहा कि ओम अमित्या मेजर नॉट विद वर्ड्स, ओम जो शब्द है जो अमित है उसको शब्दों से मत नापो, क्योंकि जो आम आपनी है उसको विचारों का जो रस्सी नहीं नाप पाएगी, वो उसकी गहराई अकथनीय है, और जो उसके बारे में बोलता है वो गलती करता है, जो उत्तर देता है वो गलती करता है। उन्हें संक्षेप में जो तमाम वर्णन है तमाम लोगों ने लिख रखे हैं उस सबसे कुछ नहीं होना जब तक साधना ओम की सहनी की जाए तभी ओम का प्रभाव आएगा। तो फाइनली ओम मणि पद्मे हुम ओम द जीवल इन द लोटस, जो ब्रह्मगति जो महामंत्र है ओम मणि पद्मे हुम, ये सबसे शुद्ध सबसे श्रेष्ठ मंत्र है। और फिर जब आदमी उस अवस्था में जाता है तो सेल्फ रिलाइजेशन आत्मबोध की अवस्था आ जाती है। और फिर फाइनली ओम जब शब्द गुनगुनाता है और जब ओम मणि शब्द ओम मणि पद्म हुम पर आता है गुनगुनाने में, तो जो जो ग्रेट जो महान बुद्ध है उनकी चेतना हमारे अंदर आती है, और फिर आदमी सभी स्वार्थ में सभी झूठ सभी विश्वास सभी शंका सभी घृणा सभी काम वासना सभी गलतियों से सभी घमंड से मुक्त होकर के वो निर्वाण की अवस्था को चला जाता है। और फिर मनुष्य की सारे पास के कर्म खत्म हो जाते हैं और कोई नया कर्म बनता नहीं, और स्वर्ग और उसके डेथ और मृत्यु उसके हाथ मृत्यु और जन्म उसके हाथ में होते हैं, मैंने अब उसकी मृत्यु कर्म बंधन से नहीं होगी। शिव जो है शिव के अनुसार मनुष्य वो निर्वाण को प्राप्त मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, और फिर उसकी सांस जो है केवल इंटरनल होती है, उसके नाक से कुछ नहीं निकलता, केवल अंदर अंदर सांस लेती है, अंदर बाहर से सांस खींचने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप रिक्वायर्ड मात्रा में उसकी सांस चलती रहती है। जब इस तरह की सांस इंटरनल हो जाती है तब वो केवल नाक में घूमती रहती है, और तब योगी जो है किसी भी कोई भी बीमारी से भूख से प्यास से किसी बीमारी से मृत्यु से फ्री हो जाता है, वो एक डिवाइन बीइंग बन जाता है। और फिर वो किसी को आग के संपर्क में आए तो आग उसको जलाएगी नहीं, कोई एयर सुखाएगी नहीं, भौतिक चीज़ों से वो प्रभावित नहीं होता है, कोई उसको पानी फिर जरूरत नहीं है उसको प्योरीफाई करने के लिए, वो हमेशा प्योर हो जाता है, कोई जो है जहर उस पर असर नहीं पड़ेगा, सांप का जहर उस पर असर नहीं पड़ेगा, और उसके शरीर पर कोई घाव नहीं होगा, ऐसा घाव नहीं होगा, अगर कोई मारेगा तो वो घाव ऐसा नहीं होगा जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, उसकी बॉडी जो है से सुगंध निकलनी शुरू होती है, फ्रेगरेंट ओडर निकलेगा, और फिर वो फिर किसी भी हवा फूड और ड्रिंक से उसकी आवश्यकता नहीं रहेगी, उसकी बॉडी सस्टेनिंग मशीन हो जाएगी, सेल्फ सस्टेनिंग मशीन हो जाएगी, उसको किसी बाहरी आवरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब ब्रीदिंग इस तरह से इंटरनल हो जाती है आंतरिक हो जाती है, तब योगी जो है कोई भी पाप करने की क्षमता खत्म समाप्त हो जाती है, मैंने कोई भी गलत काम न सोचेगा न होगा,
उसके कभी लेश मात्र भी नहीं आएगा, और उसके उसके विचार में, उसके काम में, उसके वाणी में कोई भी गलती होगी नहीं, और फिर सारा जो स्वर का साम्राज्य है उसके कंट्रोल में हो जाता है, देवताओं की शक्तियां देवताओं की कंट्रोल करेगा, और फिर वो एकदम पाप से मुक्त हो जाएगा और सभी सोर्स को पाप से मुक्त होने में उसकी सहायता मिलेगी। इन शब्दों के साथ मैं इस थोड़ा सा मैंने संक्षिप्त कर दिया, काट दिया टाइम की वजह से। बहुत अच्छा लेख है, इसमें तमाम चीज़ें दी गई हैं और रिसर्च के बेसिस पर दी गई हैं, और इसका प्रभाव दिया गया है कि ओम का उच्चारण कैसे करना है, ओम के लिए जीवन शैली करनी कैसी करनी है, अपना पथ्य डायट्री क्या करना है, अगर ओम का रियल प्रभाव हम चाहते हैं जो वेदों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो केवल उसका जैसे प्रथा हो गई हम 108 बार कर लें, 1,00,000 बार कर लें, उससे वो नहीं होने। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद पांडे जी, आपने ओंकार के बारे में बहुत ही इल्यूमिनेटिव प्रेरणादायक सारगर्भित हमें चीजें बताई, और साधारण शब्दों में वेदों और पुराणों की शिक्षाएं भी बताई, और प्रैक्टिकल हमको बताया कि कैसे कार्य किया जा सकता है जिससे कि हम आगे बढ़ सकें और अपने को योग मार्ग में आगे बढ़ा सकें। तो अब हम और लोगों को किसी ने कुछ शेयर करना है तो प्लीज करें, क्योंकि समय हो गया है, एक दो लोग अपना जो बताना है बताएं। अगर किसी को कुछ शेयर नहीं करना तो हमको अगले टॉक के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सैटरडे हमारा टॉक होगा राम का वैराग्य और योग वशिष्ठ की शिक्षाएं, और हमारे ब्रदर एस के पांडे जी लेंगे 23 अक्टूबर 2021 को। और इसी के साथ हम प्रेयर करके क्लोज करना चाहेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।